हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद हनी में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चटपटी कलेजी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कलेजी मैंने यहाँ पर ले ली है 1 kg के अराउंड और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम कलेजी को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 1 tablespoon कुटी हुई अदरक और 1 tablespoon कुटी हुई लहसुन, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 tablespoon के करीब ही हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज। अब इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon भुना कुटा ज़ीरा, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon के करीब कुटी हुई धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 tablespoon के करीब सिरका इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स करें या हाथ से, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मसाला अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं और कलेजी हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1/3 cup ऑयल और उस पर हम कलेजी डाल देंगे एहतियात से। ओ, मेरा हाथ स्लिप हो गया, लेकिन आप एहतियात से ही डालिएगा। आप चाहें तो तवा ले लें या कोई भी बड़ा सा पैन ले सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हमारी कलेजी फ्राई हो जाएगी तो आप खुद देखेंगे कि वो कितनी सॉफ्ट और चटपटी और मज़ेदार सी बनती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भूल रही हूँ, नमक भूल रही हूँ। नहीं, मैं नमक नहीं भूली हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं डाला था, वो हम इसमें बाद में डालेंगे। इसका रीज़न ये है कि कलेजी में अगर नमक पहले डाल दिया जाए तो कलेजी हार्ड हो जाती है, इसलिए हम बाद में ऐड करेंगे। और देखें, इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखें तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। बस हमें सिर्फ उलट पलट कर इसे हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 teaspoon। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 teaspoon मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और इसे उतार लेंगे। देखें, तवा फ्राई कलेजी कितनी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है फ्राई करते हुए, तो इसका भी हल मैंने आपको बता दिया है कि नमक आप पहले ऐड मत किया करें, उसे आप बाद में ऐड किया करें, तो आपकी कलेजी भी सॉफ्ट ही बनेगी। बस जी, कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप की हुई गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमारी कलेजी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी तवा फ्राई कलेजी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें और सर्व करते टाइम इसके ऊपर नींबू छिड़क लें। 1 नींबू का जूस इसके ऊपर छिड़कने से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को बनाएं और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, देखिएगा उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उस प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।